उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ बैनर तले जनपद के लेखपालों ने वेतन भत्ते प्रमोशन एसीपी व पेंशन विसंगति सेवा नियमावली एवं तहसीलों में आधारभूत सुविधाएं व संसाधन संबंधी 12 सूत्रीय मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर तहसील भवन स्थित प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही अपनी मांगों को लोक बांसगांव तहसील पर भी लेखपाल धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के तहसील अध्यक्ष दिनेश कुमार पंकज, तहसील मंत्री मोहम्मद जावेद खान सहित बड़ी संख्या में लेखपाल मौजूद रहे। इस अवसर पर गौरवपुनी से बात करते हुए उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जनपद अध्यक्ष नीलकंठधर दुबे एवं बांसगांव तहसील के संगठन के सदस्य राम रेखा ने कहा, तो हमें लग रहा है इस मंशा से दिया गया है कि और कुछ नहीं इस मोबाइल में, ना इस मोबाइल से कृषि प्रॉपर्टी का काम किया जा सकता है, कोई काम नहीं होगा। मेरा नाम राम रेखा है। आज गोरखपुर जिले की बांसगांव तहसील में 3 सितंबर को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के द्वारा, जो प्रदेश नेतृत्व के द्वारा मांगें रखी गई हैं, शासन को संदर्भित है, यह 1 महीने पहले मेमोरेंडम दिया गया था, उन्हीं मांगों को पूरा करने के लिए हम लोग तहसील बांसगांव पर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है? पहली मांग है कि एसीपी की विसंगति, दूसरी बात है कि वेतन का उच्चीकरण, तीसरी मांग ये है कि हम लोगों का जो भत्ता है साइकिल भत्ता के स्थान पर मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाए, क्योंकि हमसे जो काम लिया जाता है वह त्वरित गति से उसका निस्तारण किया जाने का प्रस्ताव दिया जाता है, हम लोग तुरंत लिख करके देते हैं। तो हम लोगों का साइकिल भत्ते 100 रुपये साइकिल भत्ते से आप ही बताइए कि कैसे काम चल सकता है 1 महीने में। और स्टेशनरी भत्ता हमारा 100 रुपये दिया जाता है, जबकि हमारे अभी किसान सम्मान निधि की जो ये योजना चल रही थी सरकार का, उसका क्रियान्वयन हम ही लोगों ने किया है और लगभग हर लेखपाल का 5,000 से 6,000 रुपये खर्च हुआ है, लगभग 250, 300, 400 डेली फोटोकॉपी में खर्च होता था। नीलकंठधर दुबे, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, जनपद ढाका, गोरखपुर। 12 सूत्री मांगों को लेकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चल रहा है। सरकार को, शासन को चेताने का काम हम लोग कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं। अगर हमारी मांगें मानी नहीं गई तो फिर भविष्य में जो बृहद आंदोलन का रूप होगा उसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी। एसीपी विसंगत, वेतन उच्चीकरण, पदोन्नति, रिव्यू कैडर, 5 रुपये आयजात अधिवास में जो शासनादेश बन गया है उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, वह भुगतान नहीं किया जा रहा है, लैपटॉप और मोबाइल का लेट पैक अब तक भुगतान नहीं किया गया, वह किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो काम हम कर रहे हैं, प्रति खाते 18 रुपये स्वीकृत है, वह रुपया अभी तक भुगतान नहीं हुआ। इस तरह से हमारी 12 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके बाद भी शासन की कुंभकर्णी नींद अगर नहीं खुलती है तो प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा और भविष्य में आगामी जो रणनीति बनेगी उसका पालन किया जाएगा।